खबर मध्य प्रदेश के सीधी जिला अंतर्गत मझौली ब्लॉक से है, जहां मझौली जनपद पंचायत जमुआ नंबर 1 के जनपद सदस्य कृष्णलाल प्यासी छोटू ने परफॉर्मेंस ग्रांट फंड की राशि को लेकर जिला सीओ से हुआ अपमानित। बता दें कि जिला पंचायत सीआईओ एबी सिंह के जवाब से आहत होकर मीडिया के सामने अपने व्यथा सुनाते हुए बताए कि वित्तीय वर्ष 2018-19 में स्वीकृत परफॉर्मेंस ग्रांट मद की राशि जो निर्माण कार्य के लिए जारी की गई थी, जिसकी प्रथम किस्त जारी कर दी गई थी, किंतु द्वितीय किस्त कार्य पूर्ण होने एवं सीसी जारी होने के बावजूद भी लगभग 10 पंचायतों की राशि जारी नहीं की गई। यहां तक कि मजदूरी की राशि मजदूरों को नहीं प्रदान की गई, जिस राशि को जनपद अधिकारियों के द्वारा लिप्त होना बताया जा रहा है, जिसके संबंध में समीक्षा बैठक पर आए जिला सीआईओ एबी सिंह के बात की गई तो उन्होंने कहा कि इस राशि से जनपद सदस्य का क्या लेना देना, उसका कोई अधिकार नहीं होता। इस बात से आहत होकर यह एक सामान्य सभा के सदस्यों के लिए सक्षम अधिकारी को ऐसा शब्द बोलना हमारे समझ से परे है। सीधी मझौली से हमारे संवाददाता कमलेश्वर सिंह की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? कृष्णलाल प्यासी। ये आज आप मझौली जनपद में जिला सीओ आए थे, तो उनसे किस मुद्दे पर बात कर रहे थे, क्या बात हुई है? मैं जमुआ नंबर 1 से जनपद सदस्य हूँ और त्रिस्तरीय राज्य पंचायत व्यवस्था में कुछ विकल्प लिए जाते हैं जनपद सदस्य जिला पंचायत के सदस्यों से, विकास कार्य हेतु क्षेत्र में तो ग्राम पंचायत के माध्यम से प्रपोजल मंगाए जाते हैं। उसी तारतम्य में हमारे कुछ जनपद से निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के द्वारा, जनपद सदस्यों के द्वारा करीब 10 ग्राम पंचायतों का परफॉर्मेंस ग्रांट फंड से जो वित्तीय वर्ष पिछले वर्ष में जो निर्माण कार्य कराए गए थे वो कार्य पूर्ण हुए, पूर्णता प्रमाण पत्र सीसी भी जारी है और यहाँ भुगतान नहीं हो पाया है। दूसरी किस्त का 4 लाख पर विकल्प के रूप में दिया जाता था प्रस्ताव के माध्यम से, लेकिन 2-2 लाख भुगतान कर दिया गया और पिछले दूसरी किस्त जो है तो नहीं भुगतान की गई। इसी विषय में जिला सीओ क्या कुछ आश्वासन नहीं है उनके द्वारा? संतुष्टजनक जवाब नहीं दिया गया, जबकि मजदूरी भुगतान बाकी है, निर्माण कार्य कराए गए हैं और उनके द्वारा गैर जिम्मेदारा जवाब दिया गया कि जनपद सदस्य क्या कर सकते हैं, जिला पंचायत सदस्य का कुछ रोल नहीं होता है, वो क्या निर्माण कार्य कराए हैं, वो क्यों मांग कर रहे हैं भुगतान के लिए, उनका तो कोई रोल ही नहीं होता है जनपद सदस्यों और जिला पंचायत सदस्यों का। इससे मैं थोड़ा सा दुखित और द्रवित हूँ, जबकि पंचायत राज व्यवस्था में निचले स्तर का सदन होता है और जनता के हित के समस्त प्रस्ताव पारित किए जाते हैं जनपद में और जिला पंचायत में, और माननीय सदस्य का दर्जा है पंचायत राज अधिनियम में जनपद सदस्य का और जिला पंचायत सदस्य का, किंतु जिला सीओ के द्वारा गैर जिम्मेदारा बयान दिया गया और बोला गया कि कोई वो नहीं है आप लोगों का रोल, वो देखा जाएगा, लेप्स हो ही नहीं सकता पैसा, जबकि पैसा लेप्स हो गया, भुगतान बाकी है, मजदूर परेशान है, सारे त्यौहार बीत चुके, इसके बाद भी विचारों के हाथ में निराशा हाथ लगी है।